कहानी उस टाइम के बाद की है जब जेक सुली और नेटेरी ने अपने प्लेनेट पेंडोरा को बचाने के लिए इंसानों के साथ फाइट की थी और उन्हें हराकर अर्थ पर वापस भेज दिया था। जेक को अपनी साथी डॉक्टर ग्रेस की अवतार से पैदा हुई एक बच्ची मिलती है जिसका नाम वो लोग किटी रखते हैं और जेक अपने पहले बेटे का नाम नेटेर रखता है। यहाँ के सभी नाभि का मानना होता है उन सभी की जिंदगी यहाँ की देवी एबा की वजह से है और उनकी हर सांस उनकी देवी के लिए ही है। इन लोगों की जिंदगी ऐसे ही खुशी से कट रही थी। जेक के अब 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के पेंडोरा से चले जाने के बाद यहाँ पर इन्हें कर्नल का बेटा मिलता है जो काफी छोटा होता है। कर्नल मर चुका था इसलिए इस बच्चे को यही लोग पालते हैं। जेक इस बच्चे का नाम स्पाइडर रखता है। वो भी जेक के बच्चों के साथ खेलता था। वो अब इन्हें ही अपनी फैमिली मान चुका था लेकिन नेटेरी के लिए वो अब भी एक एलियन था क्योंकि वो उसके बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जेक अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है। तभी एक दिन जेक को आसमान से एक चमकता तारा दिखाई देता है लेकिन वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। पास आने के बाद पता चलता है ये तारा नहीं इंसानों की स्पेसशिप है जो एक बार फिर से पेंडोरा प्लेनेट पर तबाही मचाने के लिए आ रहे थे और इस बार वो काफी तैयारी के साथ आते हैं। स्पेसशिप और बड़े बड़े रोबोट के आने के बाद जंगल में आग लग जाती है जिससे काफी जानवर मारे जाते हैं और एक बार फिर से हर तरफ तबाही ही तबाही होती है। इसके अगले सीन में हम एक अवतार को लैब में होश में आता हुआ देखते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी उसके साथी उसे पकड़ते हैं। ये अवतार कर्नल का होता है जिसे नेटेरी ने अवतार बन में ऑलरेडी मार दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कर्नल की मेमोरी को एक चिप में डाल दिया गया था। अब इस बार कर्नल जेक सुली को हर हाल में पकड़कर मारना चाहता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जेक अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर इंसानों की ट्रेन को तबाह करके उनके हथियार लूट लेता है। इस ट्रेन में इंसानों के खाने का सामान भी था। यहाँ पर हम जेक के 2 बेटों को देखते हैं जिसमें एक बेटा इंसानों के किए गए हमले में घायल हो जाता है लेकिन उसकी जान बच जाती है। इसके बाद ये लोग अपने ठिकाने पर वापस आ जाते हैं। घर तबाह होने के बाद अब ये लोग गुफाओं में छुपकर रह रहे थे। इसके बाद जेक अपने बेटे को डांटता है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी वो लोग उसके पीछे गए थे। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जो एक बेस पर अपने साथियों के साथ पहुंचता है और वहां की कर्नल से उसे पता चलता है जेक उनके काम के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वो पेंडोरा को इंसानों के लिए रहने के लायक बनाना चाहते हैं। फिर कर्नल जेक को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। इसके बाद कर्नल अपने साथियों के साथ जंगल में जाता है और वहां पर जेक के बच्चे भी खेल रहे होते हैं। वो कर्नल को उसके साथियों के साथ देख लेते हैं। फिर वो ये बात जेक को बता देते हैं। जेक उनसे कोई भी हरकत ना करते हुए चुपचाप वहां से जाने के लिए कहता है। फिर उसके सभी बच्चे चुपचाप वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी कर्नल की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन सभी बच्चों को पकड़ लेते हैं। कर्नल की नजर फिर स्पाइडर पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है कि वो उसी का बेटा है। वो अपने साथ सभी बच्चों को लेकर जा रहे थे लेकिन तभी वहां पर जेक और नेटेरी पहुंच जाते हैं। तभी उनके बीच फाइट होने लगती है और जेक किसी तरह अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाता है लेकिन कर्नल स्पाइडर को पकड़कर ले जाता है। जेक फिर अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर लेकर जाना चाहता था। जेक नेटेरी से कहता है मैं इन सभी नाभियों का लीडर हूँ और कर्नल सिर्फ मेरे पीछे पड़ा है, हमें कहीं और जाना ही पड़ेगा और वो स्पाइडर को टॉर्चर करके यहाँ का पता भी निकाल लेंगे और मैं अपनी वजह से यहाँ के सभी नाभियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पाइडर को बहुत टॉर्चर किया जा रहा होता है। तभी कर्नल कहता है ये इंसान ही है और हम इससे इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। फिर कर्नल उसके पास आकर उसे बताता है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं ही तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था, वो मेरी गलती थी और वो स्पाइडर को समझा बुझाकर मना लेता है। दूसरी तरफ जेक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी फैमिली को लेकर निकल जाता है। काफी दूर जाने के बाद वो पानी वाले नाभियों के बीच पहुंचता है। यहाँ के नाभियों की बॉडी का कलर भी अलग होता है और वहाँ के सभी नाभि जेक और उसकी फैमिली को देखकर उनका मजाक उड़ाते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर उन सभी का मुखिया आता है और जेक उससे बात करके वहाँ पर रहने की परमिशन मांगता है। मुखिया कहता है हम लोग पानी में भी रहते हैं और तुम लोग जंगल में रहने वाले हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन जेक कहता है हम बहुत ही जल्दी ये सब कुछ सीख जाएंगे। फिर वहाँ का मुखिया मान जाता है और अपने बेटे से यहाँ के सभी तौर तरीके जेक की फैमिली को सिखाने के लिए बोलता है। अगले ही दिन उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये नाभि पानी वाले क्रिएचर से अपनी चोटी जोड़कर काफी अंदर तक जा सकते थे। शुरुआत में इन सभी लोगों को काफी परेशानी होती है लेकिन किटी पानी में आसानी से रहती है। जेक भी उस मुखिया के साथ पानी वाले क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग
कर रहा था, लेकिन उसे भी ये सब सीखने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ कर्नल अपने बेटे स्पाइडर के साथ इकरान चुनने के लिए आता है, जिससे वो पूरी तरीके से एक नाभि बन जाए। फिर उसे एक इकरान चुन लेता है। जेक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे थे। एक दिन मुखिया का बेटा किटी का मजाक उड़ाने लगता है और उसे परेशान करता है। तभी किटी के दोनों भाई नेटेन रॉक्स और मुखिया के बेटे में फाइट होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं जेक अपने बेटे को समझाता है कि यहाँ पर इन लोगों के साथ हमें रहना है, तो सब लोगों के साथ दोस्ती बना के रखो। फिर अगले दिन वो लोग जाकर मुखिया के बेटे से माफी मांगते हैं और रॉक्स उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन मुखिया का बेटा दोस्ती का नाटक करते हुए उसे एक जगह पर लेकर जाता है और उसे बताता है यहाँ पर वो लोग शिकार करते हैं। जब रॉक्स यहाँ पर शिकार करने के लिए जाता है, तब मुखिया का बेटा और बाकी लोग उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जब वो एक मछली का शिकार कर रहा होता है, तब वो देखता है बाकी सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं और अब वो वहाँ पर अकेला है। तभी अचानक से एक बड़ी सी मछली उस पर हमला करती है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है। फिर वो एक पत्थर के बीच में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी सांसें बंद हो रही थी, इसलिए वो फिर से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो मछली फिर से उसकी तरफ आने लगती है। फिर जैसे ही वो मछली उसे मारने वाली थी, तभी एक बहुत ही बड़ी वेल आकर उस मछली पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। लेकिन रॉक्स की सांसें अब बंद हो रही थीं और वो डूबने लगता है, लेकिन जब उसे होश आता है, तब वो खुद को उस वेल के ऊपर पाता है। फिर वो उस वेल को थैंक यू बोलता है। इसके बाद उसकी नज़र वेल पर फंसी एक हुक पर पड़ती है। फिर वो जाकर उसे वहां से निकाल देता है। अब वो वेल उसकी दोस्त बन चुकी थी। फिर वो बेल उसे सभी लोगों के पास पहुंचा देती है और वहां पर सभी लोग रॉक्स को ढूंढ रहे थे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं मुखिया अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक्स कहता है इसमें सारी गलती मेरी ही है। उसकी बात को सुनकर मुखिया का बेटा भी अब सच में उसका दोस्त बन चुका था। फिर अगले दिन रॉक्स सबको बताता है एक वेल ने उसकी जान बचाई थी जिसके ऊपर का फिन कटा हुआ था। रॉक्स की बातें सुनकर मुखिया की बेटी समझ जाती है और वो उसे बताती है उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिस बेल को उसने देखा था उसका नाम पाइकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया है क्योंकि उसने बहुत सारे नाभियों को मारा था और उसे सभी हत्यारा कहते हैं। लेकिन रॉक्स इस बात को नहीं मानता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद हम देखते हैं रॉक्स उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसे अकेला क्यों कर दिया गया। फिर पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कर्नल अपने सभी साथियों के साथ हर जगह जेक को ढूंढ रहा था। फिर हर जगह ढूंढते हुए एक दिन कर्नल उस आइलैंड के पास पहुंच जाता है और वहां के नाभियों को टॉर्चर करके जेक की फोटो दिखाकर उनसे पूछने लगता है, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं बताता, इसलिए कर्नल और उसके साथी उनके पूरे कबीले को ही जला देते हैं। जेक उसी आइलैंड के दूसरी साइड पर रह रहा था। वहां का मुखिया जेक के पास जाकर उसे बताता है वो लोग उसे ढूंढते हुए उनके आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। जब वहां के नाभी कर्नल को कुछ नहीं बताते हैं, तब उसे एक आइडिया आता है और वो वहां के टुकून का शिकार करने के बारे में सोचता है ताकि वहां के नाभी उसकी ताकत को पहचान सकें। दूसरी तरफ रॉक्स पाइकन के साथ अपना बॉन्ड बनाकर जानता है कि पाइकन को सबसे अलग क्यों किया गया। तभी रॉक्स देखता है पाइकन पर हंटर्स ने अटैक किया था जिसमें काफी सारे नाभी मारे गए थे, लेकिन सभी नाभियों ने उस टुकून को हत्यारा समझ लिया। इसके बाद हम कर्नल को टुकून का शिकार करता हुआ देखते हैं और फिर वो उस टुकून के अंदर से कोई फ्लूड बाहर निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल करने के बाद इंसान की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है और इस फ्लूड की कीमत करोड़ों डॉलर में है। फिर वो लोग उस टुकून की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहां के सभी नाभी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और जेक को भला बुरा कहने लगते हैं। वहां का मुखिया उन सभी को समझाता है। फिर सभी नाभी इंसानों के साथ लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जेक उन सभी को समझाता है कि हम उनके साथ लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास हाईटेक हथियार हैं। रॉक्स को पाइकन की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसके भाई बहन उसे वहां जाने से मना कर रहे थे। फिर वो सभी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं पाइकन को एक डिवाइस लगा हुआ है जिससे पाइकन हिल नहीं पा रहा था। फिर वो डिवाइस निकालने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं एक शिप तेजी से उनकी तरफ आ रही है। रॉक्स ये देखकर जेक को बताता है। जेक फिर सभी नाभियों को लेकर उनकी तरफ जाने लगता है। रॉक्स और उसके भाई बहन बहुत मुश्किल से उस डिवाइस को पाइकन के शरीर से निकालते हैं, लेकिन अब कर्नल के लोग उनके पीछे पड़ चुके थे क्योंकि वो लोग इन्हें पकड़कर जेक तक पहुंच सकते थे। वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जाल में फंस जाते हैं। फिर कर्नल अपने इकरान की मदद से उन सबको उठाकर अपनी शिप पर ले आता है और उन्हें शिप पर
पर बांध देता है। फिर वो जेक को अकेले ही अपने पास बुलाता है। जेक फिर अकेला ही उसके शिप की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पाइकन उस पर हमला कर देती है और पूरे शिप पर तोड़फोड़ होने लगती है। ये देखकर जेक को हमला करने का मौका मिल जाता है और फिर वो सब मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। नेटेरी भी अपने इकरान पर बैठकर उन पर हमला कर रही थी। सभी बच्चों को उनकी कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वो किटी और उसकी छोटी बहन को पकड़ लेता है। वो शिप भी टूट रहा था और अब किसी भी टाइम वो डूबने वाला था। इस लड़ाई में नेटेन को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उधर जेक की दोनों बेटी कर्नल के कब्जे में थी। जेक और नेटेरी गुस्से के साथ कर्नल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो शिप पर पहुंचते ही उन सभी पर हमला कर देते हैं, लेकिन कर्नल किटी की गर्दन पर चाकू रखकर उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है। तभी नेटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिसे देखकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जेक फिर सभी को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद कर्नल के साथ लड़ने लगता है। अब वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी और वो सभी उसके अंदर फंसने वाले थे। जेक फिर कर्नल को मारने के बाद पानी में ही छोड़ देता है, लेकिन अब उसकी सांसें भी बंद हो रही थी। उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ नेटेरी भी अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ शिप में फंसी हुई थी, क्योंकि उसे भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसके पास किटी आती है और उन दोनों को अपने साथ बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ जेक को उसका बेटा रॉक्स बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कर्नल को उसका बेटा स्पाइडर बाहर निकाल लेता है। उसे ना चाहते हुए भी कर्नल को बचाना पड़ता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बचाई थी जब नेटेरी ने उस पर चाकू रखा हुआ था। फिर कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है और फिर से जेक की फैमिली के पास आ जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं जेक के बेटे नेटेन को उनकी देवी एवा को सौंप दिया जाता है और जेक देखने लगता है जब उसके बेटे ने जन्म लिया था, तब अपने हाथों से ही उसने उसे ऊपर उठाया था और अब अपने हाथों से ही उसे एवा को सौंपना पड़ रहा है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।